Radhika Bhatia. Welcome back to our channel Divide Spect. So आज नंबर 777 पोर्टल है और ये जो 777 पोर्टल है इस ईयर का लास्ट 77 पोर्टल होगा क्योंकि जुलाई के मंथ में तीन बार ये पोर्टल ओपन हुआ. अब 7 जुलाई, 16 जुलाई और आज है लास्ट 25 जुलाई को. तो जिन लोगों ने पिछले दो पोर्टल्स में ये अपॉर्चुनिटी नहीं सीज कर पाए वो आज कर सकते हैं और उसके बाद में भी अगर आपकी इंटेंशंस प्योर हैं और आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि मैं बैठ के मेडिटेट करूं और मेरे 7 नंबर एंजल्स जो हैं मुझे ब्लेस करें, फेवर करें, सपोर्ट करें, सो दे विल डेफिनेटली डू इट. क्योंकि एंजल्स, हमारे डिवाइन पावर्स, हमारा यूनिवर्स हमेशा हमें फेवर करने में ही लगे रहते हैं, राइट? सो डोंट गेट वरी अबाउट इट. पिछली बार भी, पिछले वीडियोज़ के बाद में कुछ कमेंट्स आए जहाँ पे हमारे YouTube फैमिली मेम्बर्स ने लिखा था कि अब मैं कब तक इस पोर्टल, ये पोर्टल ओपन है कि नहीं है, क्योंकि आफ्टर 1 or 2 डेज वी हैव गॉट दोज मैसेजेस कि ये पोर्टल कब तक ओपन है. तो देखिए, अगर जो भी पोर्टल कभी ओपन होता है जिस डेट को, उसके कुछ घंटों पहले और कुछ घंटों बाद तक वो ओपन रहता है, राइट? सो अगर हम 25 की बात कर रहे हैं तो कल 24 जुलाई शाम से ही पोर्टल ओपन हो चुका था और ये 26 जुलाई सुबह 7, 8, 9 बजे तक ओपन रहेगा. बट आफ्टर दैट, इवन इफ यू वॉन्ट टू, अगर उसके बाद में भी आप चाहते हैं कि मैं मेडिटेट करूँ, मुझे एफर्मेशंस लिखना है और आप ध्यान लगाना चाहते हैं, सो डेफिनेटली यू कैन डू दैट. क्योंकि नंबर 7 जो है, इट्स अ नंबर ऑफ कंप्लीटनेस. ठीक है, सब कुछ समा जाता है स्पिरिचुअलिटी में, राइट? नंबर ऑफ ट्विन फ्लेम्स, नंबर ऑफ, ये जो नंबर है ये आपको आपके अध्यात्म के मार्ग पर लेकर जाता है, राइट? नंबर ऑफ ड्रीम्स वी से, नंबर ऑफ इंट्यूशन पावर, नंबर ऑफ साइकिक ग्रोथ, ये सारी चीजें हमें नंबर 7 से प्राप्त होती हैं, मिलती हैं. तो इसके लिए करना क्या है? यू हैव टू मेडिटेट. जब आप मेडिटेशन करेंगे, बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आपको सोचना क्या है? क्योंकि बहुत सारे, केतु का साल भी है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होंगी जब केतु दिमाग से नहीं, दिल से सोचता है, दिमाग होता नहीं है. तो इसके लिए इस साल में भी बहुत ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे कपल्स के रिलेशंस या वैसे ही रिलेशनशिप्स में कभी डिस्टर्बेंस चल रही है या कुछ, तो वहाँ पे भी आपको वो देखना है कि कहाँ टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है. आपको वो रिलेशंस को छोड़ना है, जाने देना है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल में ग्रज, दिल में गुस्सा रखना है. नहीं रखना, उनको माफ़ करके जाने दीजिए. खुद को भी माफ़ कीजिए, ठीक है? आप अपनी सोल को, अपने स्पिरिट को बहुत बहुत प्रॉब्लम, बहुत परेशानी, बहुत स्ट्रेस देते हैं जब भी आप किसी से गुस्सा करते हैं या नाराज होते हैं. तो आपको वो चीज़ करनी है. यू हैव टू डू दिस. Forgive them, forgive yourself, let them go. And जहाँ तक कार्मास बैलेंस होने थे वो हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं. Let that toxicity go from your life. First thing. And secondly, meditate a lot, wherein you will be able to hear your inner voice. जब हम ध्यान लगाते हैं, आराम से बैठते हैं, तो उस समय हम उसकी आवाज़ सुनते हैं, एंजल्स की आवाज़ सुनते हैं, अपने गॉड अलमाइटी की आवाज़ सुनते हैं, राइट? जो भी आपके दिमाग में प्रश्न है, क्वेश्चन है लाइफ को लेकर कि ये कब होगा, कैसे होगा, या ये क्या, क्यों नहीं मेरे को इसका आंसर मिल रहा, तो जब आप आराम से बैठेंगे ध्यान में, शांति में, उस समय जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, जो भी आपके दिमाग में थॉट आएगा, समझ लीजिए वो सिग्नल है, वो आंसर है उन डिवाइन पावर्स से, ठीक है? सो जस्ट ट्राई टू लिसन योर इनर वॉइस. ट्राई टू बैलेंस योर लाइफ, ओके? मटेरियल के पीछे भागना नहीं है, मटेरियल भी चाहिए लाइफ में, बट स्पिरिचुअल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये नंबर जो है ये हमें बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है? सो ये आपको करना है. एंड सेकेंडली, आपको अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल अगर नहीं बनाई हुई है तो बना लीजिए, एक छोटी सी डायरी वेर इन यू आर राइटिंग थैंक यू सो मच टू द यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग. जो आप चाहते हैं लाइफ में आपको मिले, जो आपके विशेज हैं, जो आपके गोल्स हैं, आपको समझना है कि वो पूरे हो चुके हैं. यूनिवर्स ने, गॉड ने, एंजल्स ने, सब ने
वो सब कुछ आपको लाइफ में दे दिया है और उसको लिखते हुए आपको थैंक्स करना है. लेट्स से अगर आप मटेरियल की बात करते हैं, आप कोई जॉब की बात कर रहे हैं, या आपको कोई यू नो घर चाहिए रहने के लिए या कुछ और, आप अफर्म कीजिए कि थैंक यू सो मच मुझे ये देने के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. आपको अफर्म करना है, विजुअलाइज करना है कि वो मुझे मिल गया है. ठीक है, सो जब आप ये सब चीज़ें करेंगे, जब आप फॉरगिवनेस की बात करते हैं वो भी आप अफर्म कीजिए. अगर आपने किसी को माफ़ करना है और आपके अंदर ये हिम्मत नहीं है, आप अफर्म कीजिए उसको कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस स्ट्रेंथ फॉर फॉरगिविंग दैट पर्सन इन माई लाइफ एंड ही हैज़ ऑल्सो फॉरगिवन मी. एंड यू विल सी कि रिलेशंस कितने स्मूथ होते चले जाएंगे. स्मूथ अगर नहीं होते हैं तो स्मूथली जो है सेपरेशन हो जाएगा. That is even important. ऐसा नहीं होता है कि separate हो गए बस, that's it. No, we don't want to face that relation in our, you know, next lifetime. और ज़्यादा painful और hurtful. ठीक है, तो आपको ये ज़रूर करना है और इस बार इस golden opportunity को नहीं जाने देंगे. So आज आपको ये video मिल रहा है शाम को 6 बजे, आपके बाद आप शुरू कर सकते हैं अपना meditation. जर्नल में लिखना, एफर्मेशंस, लोगों को माफ़ करना, रिलेशंस को माफ़ करना, टॉक्सिसिटी को जाने देना. दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू एंड स्टार्ट डूइंग इट. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड. जस्ट स्टार्ट वॉकिंग ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ. थैंक यू.